मैं सुबह से मुझे SBI बैंक की तरफ से एक झटका मिला है, मेरे अकाउंट से 149 रुपीज गायब हो गए हैं। उन्होंने काट लिया, मुझे बताया क्यों काटा, मैं काट लिया। एनीवेज अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, मेरा नाम है आदम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत हो गए। क्या आपको यकीन आता है कि कोई शख्स जो कि पूरी रात भर नहीं सोया, उसके चेहरे पे इतनी रौनक, फ्रेशनेस, नहीं ना भाई? ये भी आप देख लो, आपके सामने जीता जागता एग्जांपल है आपका भाई। भाई यस, मैं पूरी रात भर नहीं सोया हूँ, अभी भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी मेरी क्लासेस का वक्त हो गया। रात में क्यों नहीं सोया, जैसे आपको पता है शबी मैच कर रहा था, तो दोनों भी रोजे में पूरी रात भर जागा था मैं, सहरी करके फिर फजर की नमाज पढ़ के मैं सोया था। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारा रोजा है। यस, मैं पूरी रात भर नहीं सो पाया, जैसे कि हमें टाइटल हमने पढ़ा, यस अपने घर में एक गुड न्यूज आई है जो कि आपको आगे बताऊंगा। अभी नहीं, अभी का सूरत हाल ऐसा है, मुझे नींद तो आई, लेकिन मैं जा रहा हूँ क्लासेस में, क्लासेस का वक्त होने वाला है। वैसे मैं क्लासेस जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बैठ के इनको पढ़ाई करनी है। मैंने और मोहम्मद भाई डिसाइड किया है कि हम क्लासेस जल्दी पहुंचे, हमें बैठ के रिवीजन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मस्त एकदम। आंखों में नींद है लेकिन उम्मीद है कि पूरा मस्त पेपर लिखने का अपने को। आज जुमा भी, तो आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे पता है आप ये ब्लॉग किस दिन देख रहे हो, सैटरडे होगा या फिर संडे होगा या फिर मंडे होगा, आई हैव नो आइडिया। भी इंशाल्लाह जुमा की नमाज पढ़ के मैं घर पे आऊंगा 2 बजे, तब तक मेरी हालत क्या होगी मुझे नहीं पता। नींद तो आती रहती है लेकिन हमें काम नहीं रुकना चाहिए, तो चलते हैं। बिस्मिल्लाह बोल के लपाक का नाम लेके नाराय तकबीर बोलेंगे अल्लाह हू अकबर। अभी मुझे ऐसा लगे कि मैं रोज़ा हूँ। मैं सुबह सुबह के 9 बजे का मंजर आप चेक करिए, ये देखो अभी सारी की सारी दुकानें बंद है, और आज जुमा करके और भी ज़्यादा लेट खुलेगी। ये देखो भाई सन्नाटा, वक्त वैसे अभी हो रहा है 9:15। अस्सलाम वालेकुम भाई, हेलो, हेलो अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मोहम्मद भाई, आज के पेपर के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? आज देखते भाई कौन सा हार्ट अटैक आता है, चलो भाई सही है, अपनी क्लास की जगह खुली है, अभी अंदर से बैठ के सुकून से पढ़ाई करेगा। कोई है क्या? कोई नहीं है। क्या बात है, ये देखो भाई पूरी खाली क्लास है, हम सिर्फ 2 ही पढ़ाकू बच्चे यहाँ पे। भाई बाजू में लेक्चर चल रहा है भाई, तो भाई कौन है इसराइल वाला, इसकी भैंस की आँख। देखो मोहम्मद भाई आप मस्त हो, सो के उठाओ, मेरे दिमाग से ऊपर जा रहे हैं भाई, जब ये देख लेंगे। चलो इसको भी छोड़ दो। कौन कौन सा नहीं लिखने वाले अपन ने? अस्तगफिरुल्लाह। मोहम्मद भाई, हाँ भाई, खुदा बाहर निकला चुका। ये तो सही बन बने, क्या पेपर का बात है, खाली उनका टेंशन ले रहे हो? टेंशन तो अपन खाली बोल लिए, लेकिन सब वही से निकला जो था। टेंशन हर पेपर में आता है, अभी सबसे बड़ा टेंशन है क्या हो रहा है, फाइनल। तो फाइनल तो इंशाल्लाह भाई। ओला एसन प्रो का ये कलर चेक करो भाई, एक नंबर। 12 बजने वाले, और जुमा के दिन का जो मैं बोल देता हूँ वो ये रहता है कि मुझे पहली समय जगह मिल जाए, तो इंशाल्लाह आज मिल जाएगी। मेन गेट है वो बंद है। पहली सब और सभी जो पूरे 2 बज चुके हैं, और लिटल डेयर भी जो मैंने आप खुल भी नहीं दी प्रॉपर। अभी ऐसा है घर पे जाओ, बैग उठा दो हाथ में, और किधर लेट जाए, खाना वाना देखेंगे बाद में खाएंगे, और फिर देखिए ना कोई। ऑलराइट, सो भाई दिस इज द नेक्स्ट डे, आज सैटरडे, आज 10 फरवरी, अभी जो शाम के 6 बजने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वैसे कल जुमा स्पेशल था, मैं दाल गोश्त, तो दाल गोश्त खा के अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया। ऑलराइट, सो द थिंग इज, आज से कुछ कितने महीने पहले मुझे भी याद नहीं है, छोटा बिल्ली का बच्चा हमारे घर के पास आया था, टोटल 4-5 बिल्ली के बच्चे थे इंक्लूडिंग दिस बिल्ली, बाकी दूसरे बच्चों का क्या मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो बिल्ली का बच्चा है अपनी चाली में घूमते रहता था। एंड में क्लासेस जाओ तो कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे पैर में आते थे बच्ची थी, जिनको मेरे नेबर एक प्लेट में दूध दिया करते थे, फिर हमने भी उस बिल्ली के बच्चे को प्लेट में दूध दिया, बाहर से खाना लाया, घर से खाना दिया, कर गया माशाल्लाह से बिल्ली का बच्चा अच्छा खासा हुआ, तंदुरुस्त हुआ। उसके बाद फिर कुछ महीनों बाद एक बिल्ली आती है, यस एक फीमेल बिल्ली आती है कहीं से, तो मुझे पता नहीं, वो भी सेम टू सेम दिखाई देती थी। तो ये एक और ये दूसरी, ये वाली अपनी वाली बिल्ली, वंस अगेन ये जो दूसरे 2-3 दिन पहले आई थी वाली बिल्ली है, ये वाली बिल्ली उससे थोड़ी बड़ी है साइज में, सो
सो द थिंग इज हमारी जो फीमेल बिल्ली है वो जो मम्मी बन चुकी है। यस जैसे किटन्स आने के पहले मैं सोचता था कि वीडियो बनाओ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था एंड उसका पेट जो बहुत ही बड़ा हो गया था लिटरली। कल यानी कि जुमे के दिन सुबह सुबह हमें खुशखबरी दिखाई दी सुनाई दी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी छोटे छोटे बच्चे के। ऑलराइट तो भाई मिल लिए हमारे नए फैमिली मेंबर्स से। ये तो है ही हमारे बिल्ली का बच्चा था जो कि बड़ा हो गया माशाल्लाह से अभी खुद बच्चे के माँ बन चुकी है। तो ये रहे उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे से किटन्स। ये देखिए भाई ये एक दो दूसरे दो किधर है हाँ तीसरा पीछे है और चौथा उसके नीचे है। क्या बात है। और भाई जब से ये बच्चे आए हैं मुश्किल से उठ के 5 मिनट लिविंग रूम में आके बैठी हुई है अभी अभी से आके यहाँ पे बच्चों के पास बैठ गई है। तो ये भी बहुत ही प्यारा मोमेंट है तो ये देखने ही मिल रहा है मुझे। बाकी आपने को तो पेट का कोई आइडिया है ही नहीं। हाँ ये मुझे पता है कि जो बिल्ली के बच्चे हैं उनकी आँखें कुछ दो हफ्ते में खुलती है क्योंकि अभी उनकी आँखें बंद देखता हूँ इटली ऐसे आँखों को उसके असर भी नज़र नहीं आ रही कि आँख है उसकी लेकिन उसकी आँख खुलेगी दो हफ्ते बाद जो कि सारी के सारे बिल्ली के साथ ऐसा ही होता है। एटलीस्ट इतना तो मुझे पता है। जुम्मे के दिन सुबह सुबह ये बच्चे जन्म हुए थे तभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो आप वो जाके छोटे छोटे प्यारे से बच्चे देखे उसके बाद मैं आपको अभी का दिखा दूँ क्योंकि अभी एक दिन हो चुका ऑलमोस्ट। भाई इस बिल्ली के लिए हमने यहाँ पे जगह बनाई थी। ये हमने वॉशिंग मशीन थोड़ा आगे खींचा था यहाँ पे पानी की टाँगी है और बाकी इसका यहाँ पे छोटी सी जगह तो हमने जगह बना के रखे थे ताकि आराम से यहाँ पे रह सके बच्चे आने के पहले हमने जगह उसकी सेट करके दिए थे एंड माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे यहीं पे आए एंड यहीं पे बैठ रहे थे अपने बच्चों के साथ में। और बाकी ये रहे छोटे छोटे से बच्चे माशाल्लाह अभी आप देखो तो कितने अच्छे खासे हो चुके हैं। जैसे इनकी आँखें मैं आपको दिखाऊँ तो लिटरली ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनकी आँखें है भी कि नहीं है लेकिन ये खुलेगी दो हफ्तों बाद। और ये देखो भाई अभी भी जो इनकी मस्तियाँ चालू है पूरा ये हो गया पहला बच्चा ये हो गया दूसरा बच्चा ये आ गया तीसरा और ये आ गया चौथा। तो भाई ये थे हमारे न्यू फैमिली मेंबर्स बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे किटन्स भी इंशाल्लाह ये बड़े हो गए आपको मैं दिखाऊंगा क्योंकि भाई ये हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ जानवर जनवर सबसे पहले जब मेरा घर में बिल्ली का बच्चा आया था अभी एकदम माशाल्लाह से खा पी के तगड़ा हो गया बड़ा हो गया मैं आपको दिखा दूँ अभी कैसा हो गया कैसा दिखता है। वैसे टाइम जो पलक झपकते गुजर जा रहा है तो आज आपके लिए भी संडे है मेरे भी संडे जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो। वैसे फाइनल एग्जाम की तैयारी भी शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जो मैं बैग लेके जाता था अपने क्लारी शो में निकाल के साइड कर दिया बुक्स अपने और बाकी फाइनल एग्जाम में ये वाला बैग मेरे साथ में लेके जाऊँगा क्योंकि इसमें लॉकिंग सिस्टम है यहाँ पे क्लॉक लगा हुआ है बाकी यहाँ पे मैं ताला लगा सकता हूँ उसके साथ साथ क्योंकि फाइनल के पेपर लिखते हो मैं स्मार्टफोन में स्मार्ट वॉच का मेरे बैग में जाएगी तो ये बैग उसके लिए परफेक्ट है। वैसे कल भी मेरा टेस्ट है और अभी शाम की जो है वो 4:45 बजने वाले। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना भाई 3000 सब्सक्राइबर के बहुत ही नजदीक है। बाकी फॉर मोर अपडेट्स डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मनी एंड गिव अ मिता वो वर्जन नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिव मी एवरीथिंग।